हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अरशद इनाम। और ये जो आज हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी क्लास टेंथ के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर 1 चला हुआ था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो उसमें हम आज आगे देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कैसे हम एक अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी जिस भी तरह के चेंजेस होते हैं उसके बिहाव पर हमने ब्रॉडली डिवाइड किया है केमिकल रिएक्शंस को। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नंबर 6 है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और लास्ट में रिडक्शन ऑक्सीडेशन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में आज हम सिर्फ ये दो टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों बहुत आसान हैं। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी वीडियो को देखिएगा, चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा जो टाइप ऑफ द रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसा कि ये वर्ड खुद बता रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब जो दो छोटे छोटे आपके रिएक्टेंट मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन इनको भी फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स, और लास्ट में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट एंड द कंपाउंड। तो ये डीपली इसको क्लासीफाई किया हुआ है, हमें इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जब मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दो छोटे एलिमेंट मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बढ़िया एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम कहते हैं, जब रिएक्शन करता है वाटर से तो वहाँ पर स्लैक लाइम बनता है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम स्लैकिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल काफ़ी हैं आई थिंक, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो रिएक्शंस होती हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ए और बी जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो एक एडेंडम बनाते हैं ए बी, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अपोजिटली अगर हम देखें तो जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे एलिमेंट में या कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। दोनों रिएक्शन को हम ऐसे कह सकते हैं ए प्लस बी डबल एरो ए बी। तो अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और इस डायरेक्शन में देखें तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। खैर ये दोनों सेम होती हैं, आप देख सकते हैं एक दूसरे के बस अपोजिट प्रोसेसेस हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन दो रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सिस्टेंसेज आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और कॉम्बिनेशन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। इसके बिहाफ पर हमने इनको फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ध्यान से देखिए। पहला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, तो इसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गर्म करने पर जब डिकम्पोजिशन होता है। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय द व्हेन इलेक्ट्रिसिटी आर पास्ड थ्रू द कंपाउंड, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होता है। नंबर 3 है डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी कि सनलाइट की वजह से जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या शॉर्ट में फोटोलाइसिस भी हम इसको कह देंगे। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों टाइप्स को देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जब हीट देने पर कोई सब्सिस्टेंस डिकम्पोज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन दी हुई है, जब लेड नाइट्रेट वाइट कलर का गर्म किया जाता है स्ट्रांगली, तो वहाँ से उसमें कंटेंट में से आपका ब्राउन फ्यूम्स निकलता है, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, और रेजिड्यू बचता है हमारे पास येलो कलर का, जिसको लेड ऑक्साइड कहते हैं। ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में भी ये दी हुई है, और इसको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है अलग अलग संदर्भ में। तो ये इसका डायग्राम है, यहाँ देख सकते हैं, हम पहले लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल लेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर,
और उनको स्ट्रांगली बर्नर से गर्म करेंगे तो रेडिश ब्राउन जो गैसेस का वेपर का जो होगा मिक्सर वो निकल जाएगा, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है। बाकी यहाँ पर येलो कलर का रेजिड्यू बच जाएगा जो कि आपके लेड ऑक्साइड का होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें नंबर सेकेंड एग्जाम्पल की, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है, इसको ग्रीन विट्रॉयल कहते हैं। बिल्कुल सेम है, डायग्राम भी बिल्कुल सेम ही है, आप देख सकते हैं। बस ये थोड़ा सा दो प्रोसेस में होगा, जब हम लाइटली यानी कि हल्का गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को, तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो पहले निकल जाएंगे और आपका हाइड्रस फेरस सल्फेट क्रिस्टल एनहाइड्रस फेरस सल्फेट क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे जब हम उसको और ज़्यादा स्ट्रांगली गर्म करेंगे तो वो फेरस सल्फेट एनहाइड्रस फेरस सल्फेट और ज़्यादा डिकम्पोज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। जब उसको गर्म करेंगे तो मिक्सचर निकलेगा बहुत ही बर्निंग स्मेल वाला, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का, और नीचे रेजिड्यू बचेगा आपका रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड का, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको हम ब्लू विट्रॉयल कहते हैं, ब्लू कलर का होगा। जब इसको कम टेम्परेचर गर्म करेंगे तो पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा और ये ब्लूइश वाइट हो जाएगा, और ज़्यादा स्ट्रांगली गर्म करेंगे तो ये आपका बिल्कुल एनहाइड्रस हो जाएगा वाइट कलर में, और फर्दर इसको गर्म करने पर वो फिर से डिकम्पोज हो जाएगा। वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, यस मिक्सचर निकल जाएगा और आपका रेजिड्यू बच जाएगा ब्लैक कलर का, जिसको कॉपर ऑक्साइड कहेंगे या क्यूप्रिक ऑक्साइड कहेंगे हम वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये प्रिकॉशंस भी दी हुई है कि हमें इस तरह के कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको कैरी आउट करते हुए हमें अपने आप को बचाना होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वायलेंस भी हो सकती है रिएक्शन। बाकी दूसरे एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, दूसरे आप देख सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ द लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट। तो ये दूसरे एग्जांपल्स हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी जो ऊपर वाले जो डायग्राम्स में के साथ मैंने आपको एग्जांपल बताए वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहेंगे। तो इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम देखेंगे, जब हम वाटर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक वायर डालते हैं तो बेटा वो गर्म होता है वाटर, लेकिन अगर उस वायर का पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल हम अलग अलग वाटर के अंदर डालेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। तो वाटर का एग्जाम्पल देकर इसने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। इस तरह के एग्जाम्पल को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक टेस्ट, एक प्लास्टिक या कांच का एक मग लेना है, प्लास्टिक का ज़्यादा बेटर रहेगा। उस मग में हमें नीचे से दो होल कर लेने हैं, वहाँ पर हम कार्बन का एनोड और कैथोड लगाएंगे, जिनको हम बैटरी के पोल से जोड़ देंगे। नेगेटिव पोल बैटरी का आपका कैथोड कहलाएगा और पॉजिटिव आपका एनोड कहलाएगा, और उसमें हम इन्वर्ट दो टेस्ट ट्यूब लगा देंगे ऐसे, और फिर उसमें हाफ कैपेसिटी का हम वाटर मेंशन कर देंगे। एज यू नो दैट वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे H2SO4 की, जिससे वहाँ पर वाटर आपका कंडक्टर हो जाएगा। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें डालते हैं तो यहाँ पर बबल आपको दिखाई देंगे, वो आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो गैसेस कन्वर्ट हो रही हैं उसके होंगे। इसके अंदर आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा और इसके अंदर आपको ऑक्सीजन गैसेस मिल जाएगा और वाटर का लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ओवरऑल आपकी ये रिएक्शन दी हुई है, जब दो मॉलिक्यूल वाटर के इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वहाँ पर दो मॉलिक्यूल बनेंगे हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का बन जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, नमक को कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड, जो टेबल सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट, उसको पानी में डालेंगे या उसको हम पिघलाएंगे, दोनों को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, और जो वाटर एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का बेटा, तो वो आपका ब्राइन कहलाता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब हम ब्राइन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो सोडियम मेटल आपकी कैथोड पर लिबरेट हो जाएगी बीइंग पॉजिटिव, और क्लोरीन बीइंग नेगेटिव आपका एनोड पर लिबरेट हो जाएगी। इसी तरह से हम एलुमिना यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी डिकम्पोज कर सकते हैं एल्यूमिनियम में और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये आपके तीन एग्जांपल थे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद तीसरा पार्ट आपका आता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस की तरह, जैसा इलेक्ट्रोलाइसिस था, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब टूट जाना, यानी कि किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिसिटी से टूट जाना, इसी तरह से फोटो का मतलब यहाँ पर होता है लाइट, और लाइसिस मतलब टूट जाना, यानी कि किसी भी सब्सिस्टेंस का धूप की वजह से या सनलाइट की वजह से टूट जाना, दैट्स वाई इसको हम फोटोलाइसिस कहेंगे। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो फोटो सेंसिटिव होते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, एट्सेट्रा। जब हम इनको धूप में रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद ये डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे
हम सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो ये सिल्वर में और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम दूसरा एग्जांपल लें सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें तो ये येलो कलर का होता है, तो ये ब्रोमीन और क्लोरीन में सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका सब एपरेटस रखते हैं किसी एक प्लेट में या हम किसी एक कंटेन में किसी भी वॉच ग्लास में, जब हम वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड या येलो कलर का सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं तो वहाँ से क्लोरीन या आपकी ब्रोमीन गैस निकल जाएगी और नीचे ग्रे कलर का आपका प्योर सिल्वर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। तो यह आपका फोटोलाइसिस होता है। कुछ और एग्जांपल हैं फोटोलाइसिस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको धूप में रखेंगे तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है, और आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी फोटोसेंसिटिव होता है, ये भी डिकम्पोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोजिशन होता है, बाय थर्मल, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस और बाय फोटोलाइसिस। हमारी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बेटा, उसका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमने अभी देखा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा, ये हम अलग अलग तरह के मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोसेस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इनसे हम दूसरे सब्सटेंसेस भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर हम अपनी बॉडी के अंदर बात करें तो वहाँ पर भी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का जी, तो वहाँ पर वो उसका डाइजेशन होता है। तो बहुत छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल में, विटामिन में, आपके ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में एट्सेट्रा, उसमें कन्वर्ट होता है। तो वो रिएक्शंस भी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। और अभी तक हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप देखे, तो तीनों के तीनों बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल होते हैं, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पर भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। फर्स्ट टाइप में हमने थर्मल में देखा कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस में देखा इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब हो रही है, और फोटोलाइसिस में फोटो यानी कि लाइट, सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये थे दो टाइप। तो हम इस वीडियो को कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वर्सेस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यही दो टॉपिक देखें, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे हुए इसके टॉपिक्स देखेंगे। दो टाइप्स हैं दूसरे, डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन एट्सेट्रा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और उसको जो 10th क्लास का कोई भी बच्चा है उसके साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अलग से मैंने एक क्लास 10th की जितनी भी केमिस्ट्री ट्यूटोरियल वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड नाउ दिस इज़ योर होस्ट संदोष एंड योर केमिस्ट्री टीचर अर्शद इनाम साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।